बाबा जी की। प्रभु जी जय बोले सर जी। हाँ जी, आपका सुबह मिस कॉल आया था, मगर थोड़ा वक्त भी काम कर रहा था, इसकी वजह से ऑन द स्पॉट रिप्लाई नहीं दे पाया। एक्चुअली कल आपका कॉल आया था, उस टाइम मैं गौशाला में था, कुछ काम करवा रहा था गौशाला में, यहीं पे धर्मशाला में, तो आपका फोन उठा नहीं पाया, इसलिए मैंने आपको वक्त किया फिर। अरे वाह 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 वाह। और कहाँ तक पहुँचा आपका मंदिर, ये धर्मशाला वाला मंदिर का? सर अभी तो बाउंड्री कराई है जो लैंड था ना, वहाँ पे गौशाला का शुरू किया, गौशाला बनाने का प्लान शुरू किया अभी। अरे वाह वाह वाह। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, ये तो सुनकर आनंद हुआ। हाँ जी हाँ जी, तो शुरुआत किया अभी। मैं माता से शुरुआत करते हैं, मंदिर तो मन में ही है, बाकी माता की गौ माता जी की सेवा हो जाएगी तो मंदिर अपने आप ही है। हाँ, और आपको मैंने वो ऑडियो भी भेज दिया था जो आपने तुरंत बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। काफी सारे भक्तों को हेल्प मिल जाती है कि शाइन बोर्ड का नंबर, कई बार शाइन बोर्ड हमारा फोन आपका पेपर तो आप सबसे रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं ना, तो बाकी भक्तों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमारा क्या, हम तो भी ऊपर वाले की उस पे ही चलते हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी, और आपका भी जो ये सब देख के मुझे भी बहुत आनंद होता है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सब ठीक? नहीं, कैसा मालूम है क्या, जो आप लोग करते हो वो सब कोई भी नहीं करता जी। बाबा जी का आशीर्वाद है, भोले बाबा जी करवाते हैं और हम तो माध्यम है, बाकी कर भोले बाबा जी रहे। आदमी क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता आदमी ना। एकदम सही हो आप। हाँ जी हाँ जी, ये ईश्वर ही कराते हैं और ईश्वर ही कर रहे हैं ना। सो तो है बिल्कुल, यानी उनका उनका हुक्म नंबर रहता है और चलने वाले उनके सर्रास्ते प्रपुन है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक है सर जी, अभी तो बस तारीख के इंतजार में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तारीख के इंतजार में ही है। आपसे कल जो बात हुई थी शाइन बोर्ड की, 15 तारीख बजे, 15 के बाद होगा बोला जी। हाँ, इन्होंने वैसे तो कहा कि भी 15 तारीख को, मगर ऐसा ही समझ के चलो 15 तारीख के बाद ही हाँ हो सकता है। और सब बढ़िया सर जी? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ऐसा कोई भी ऐसा काम काज हो तो बिंदास हुकुम करना। वैसे तो मैंने आपका देखा था, आपने जो भेजा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है? कुछ नहीं, मेंबरशिप के लिए, संस्था का एक मेंबर बनना है, उसके लिए 100 रुपया एक मिनिमम चार्ज है लाइफ टाइम के लिए। हाँ हाँ, उसके बाद जो भी संस्था एक्टिविटी करेगी, जैसे यात्रा को स्पॉन्सर करती है या जो भी एक्टिविटी होती है, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, जो भी आपका योगदान हो आप कर सकते हैं, बाकी आपको कभी हम कॉल नहीं करेंगे कि हम फंड ये चाहिए। आपको एक्टिविटी जो भी हम करेंगे ना, जिस भी हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, वो यूट्यूब चैनल से मिले या मैसेज के थ्रू मिले, वो सारी आपको मिलती रहेंगी। ओके सर जी, तो ये शायद मेरे पास डिलीट हो गया होगा या फिर दिखता हूँ मैं, अगर डिलीट नहीं होगा तो आपको। और दूसरा ये, जितने अधिक मेंबर बनेंगे उतना फिर हम शाइन बोर्ड पे भी कल को कोई बात करने के लिए सोचेंगे उनसे बैठ के, कि भैया हमारे साथ देखो इतने सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, सारे अमरनाथ जी यात्रा करते हैं, इतनी सारी परेशानियां आती हैं, तो सकता है शाइन बोर्ड भी उस बात को सुने। जरूर। हाँ जी हाँ जी, ओके सर जी, जय बोले। आप रिसेंट कर लो ठीक है सर, ठीक है, जल्द से जल्द।